आई लव यू। भाई साहब आपको पता है उर्फी जावेद के बारे में? गुड मॉर्निंग जी, और अगर थोड़ी सी देर लगती तो गुड आफ्टरनून हो जाता, क्योंकि उठना था हमारे को 8 बजे और निकल जाना था कि रास्ते में से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते निकले, पर ये हमारी आंखों की नींद, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो ये हमारी आंखों की नींद के चक्कर में हमारे को यहीं से गुड मॉर्निंग करनी पड़ रही है आपसे, नहीं तो सोचा था गाड़ी में करेंगे, ये करेंगे, बातें करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि रात को जो हमने खाया, पर रात के खाने से आपको एक बात हमारे को एहसास हुई कि पुष्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं गोवा वाली वाइब या पुष्कर की अपनी कुछ वाइब है, तो जब आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा 2-4 दिन रह सकते हैं। एक्सप्लोर करने को कम होएगा, पर जो कैफ़े वैफे हैं या घूमने की जगह है या जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जैसे पब्लिक भी बहुत ही ऐसा फ्रेंडली है, तो आपको मज़ा आएगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि मैं नेक्स्ट टाइम पुष्कर ज़रूर आऊँगा और 1-2 दिन रहूँगा, आराम से चिल करेंगे यहाँ पर आके। इस बार तो होली मनाइए, नेक्स्ट टाइम फिर सोचेंगे क्या करेंगे, पर अब हमारे को निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं निकले तो हमारी फ़्लाइट छूट सकती है। तो सब लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, हमने पैकिंग कर ली, तो इसलिए आपसे पूछ लेते हैं कितना हो जी? सारे वधिया? आप बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। आजकल ऐसे व्लॉग बना रहे हैं ना तो खुशी होती है, वो जब आप काम रेगुलर करने लग जाते हैं ना तो खुशी होने लग जाती है, और जिस तरीके से आप वापस प्यार दे रहे हैं उससे और भी खुशी हो रही है। तो मेरे को लग रहा है कि हम धीरे धीरे ऐसे कमेंट का भी एक सेक्शन रखेंगे, कितने कमेंट किए जाएँ वो भी आप कमेंट करके बता देना कि हमारे को कितने कमेंट का टारगेट, छोटे से शुरू करेंगे बड़े से नहीं करेंगे, इसीलिए यही प्लान है। तो पैकिंग देख लें, जो ऐसे चार्जिंग वार्जिंग पर लगाया उसको भी समेट लेते हैं। बाकी लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है मेरे को, इसलिए व्लॉग यहाँ पर से शुरू करना बड़ा ही अच्छा लगता जी। चलो पैकिंग वैकिंग छोटी मोटी रहेगी उसको निपटा लेते हैं। चलो 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 चलो। सलीम की पैकिंग चल रही है। यस बॉय। कितना टाइम लगेगा? ब्रो जितना टाइम तुझे ये ब्लॉग करने में लगेगा उतना टाइम मुझे ये पैकिंग में। पर तेरी कैप तो अच्छी लग रही है। सब कुछ हो गया, ब्रो नीचे बैंड वाले बुला लिए, नाचते नाचते जाएंगे। चलो भाई विदाई हो रही है अपनी। चलो रमैया बसा भैया, रमैया बसा भैया, अंधेरे में आ गया। भाई क्या क्या बजते हैं गाने हमारे गंगानगर में, जब शादियां होती थी ना तो एक गाने पे ना मेरे को आज तक नहीं समझ में आया क्यों नाचते थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, क्या आपके साथ हुआ है? एक गाना और था वो जो छनकने से लेके बजाते ना वो गाते होते थे, तुम दिल की धड़कन में। तेरे साथ हुआ कभी ऐसा? तूने कभी ऐसे देसी शादियां देखी हैं? उसमें बता, तुम दिल की। तो ऐसे किस किस के साथ हुआ है बताना हमारे को। बाकी देखो हमारी पैकिंग डन है, तेरे ये वाले बैग में थोड़े चार्जर वाले जो डालने मिल जाएगा, डन है जी। चलो दोस्तों बाय बाय, पुष्पा एक बार कर देना, झुकेगा नहीं साला। क्या बात है। चलो भाई लोग बाय बाय। चलो चलो, लड़की सेट, ड्राइवर सेट। अजमेर पहुंच गए, बिल्कुल लेक है मैनेज। हाँ, जो मैंने बहुत पहले देख लिया था जब मैं पहली बार आया था। तो अब हम जा रहे हैं जी पहले कबाब एंड करीज, क्योंकि यहीं पर खाने का प्लान था नहीं, प्लान था नहीं, लेकिन भूख लग गई तो प्लान बन गया। हाँ, और पापी पेट प्लान बदलते रहता है। और दूसरा सीन क्या है, यहाँ से जो गाड़ी में हम आए हैं वहाँ से सामान शिफ्ट होके यूनुस भाई की गाड़ी में चला जाएगा। लेकिन जाना कहाँ है? ऊपर जाना, ऊपर जाना है। तो अब यूनुस भाई की गाड़ी में सामान जाएगा, फिर हमारे को एयरपोर्ट पहुँचना, काम बहुत है, पर भूखे पेट हो नहीं सकते थे। नहीं हो सकते थे, इसीलिए इधर तो नहीं है। नहीं नहीं, इधर दरवाजा, ये है दरवाजा, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। ओहो क्या प्यारा लग रहा है यार, स्पीड बोर्ड है भाई वहाँ पर। काफी खूबसूरत नजारे हैं भाई यहाँ के। जो भी बोलो अजमेर और पुष्कर है तुझे कुछ, पूरा राजस्थान ब्यूटीफुल है यार, राजस्थान श्री गंगानगर से। ओहो क्या बात है, आज तो बादल भी ज्यादा देख, तो पिछली बार कह रहा था एक ही बादल है। आज बहुत बादल है। आदिल भाई को पूरी जिम्मेदारी दे दी, आप ऑर्डर कर दो, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। हमारे को कितने बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है? हमें 3 बजे तक एनी हो पहुंचना ही है। ओके, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक है। आदिल भाई सोचना मत, हमारी तरफ नजर भी घुमाने की जरूरत नहीं, आप ऑर्डर कर दो।
यार ये वाला तो क्रेजी लग रहा है, ये कौन सा है? मटका चिकन, मटका चिकन, मटन दोनों ऐसे। हाँ यही चाहिए, हम जैसे भूखे लोगों का सहारा, और ये बेचारा मटन के लिए तो कब से तड़प रहा है। पुष्कर में ज्यादातर हमने वेजी खाया है, ज्यादातर नहीं वहाँ पर वेजी मिलता है, हाँ वेजी मिलता है, काफी जगह होती है जहाँ पर वेज खाना चाहिए, अच्छा ही खाना चाहिए, बस सही है, बन गया माहौल, धन्यवाद। प्लान में चेंज होना, चेंज मतलब खाना खा के होना, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे और हमको लग रहा है कि हम लेट हो सकते हैं पूनम। हाँ, प्लान चेंज क्या होना, प्लान तो प्लान ही है, प्लान तो प्लान ही है, बस प्लान में कहानी में हम थोड़ा पीछे हैं। हाँ। वक्त आगे जा चुका है। हाँ। मतलब हमारे को पहले हमने सोचा था 3:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, पर अभी के हिसाब से हमारे को लग रहा है कि अगर हम 4 बजे तक भी पहुँच गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहुँच तो जाएंगे, क्या हुआ है जयपुर एयरपोर्ट क्या है कि थोड़ा छोटा है ना, तो फिर मेन टाइम वो नहीं लगना हमारे को अजमेर से जयपुर में, जयपुर के अंदर जो ट्रैफिक होएगा उसमें टाइम लग सकता है, तो 1:10 होगा, 3 घंटे का वक्त है हमारे पास। चलो पूनम मस्त हो रही है, पूनम को आइडिया नहीं, पूनम खड़ी होकर देख तो सही बाहर का मौसम, मौसम बाहर हो रही है बारिश, क्या खतरनाक बारिश करवा रहे हो भैया, बारिश और की पावर वापिस है बारिश, खतरनाक इसको जाम लेके जाता हूँ वहाँ, ये बारिश ये सत्या नहीं है, ये सत्या तो बादल है। बरसी की वजह से हमें मौसम बहुत अच्छा मिला था, मुंबई में पहुंच के बहुत गर्मी मिलने वाली है, तुम लोग मुंबई में कैसा था मौसम? मुंबई में तो गर्मी थी, मौसम अच्छा, अब हम अपने साथ साथ लेके चलेंगे, लग तो बढ़िया रहा है, मस्त से बाहर मौसम हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है यार मौसम, ये बारिश का मौसम नहीं है। सलीम सही बोल रहा है कि बारिश का मौसम नहीं है, पर प्रकृति के साथ हमने जो छेड़छाड़ की है उसकी वजह से कभी भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है, क्या बोलते हो? ग्लोबल वार्मिंग जो पोगे वही पाओगे, वही है, हमने ही पेड़ काटे हैं, अब हम ही झेलेंगे, गर्मी भी हम झेलेंगे, ठंड भी हम झेलेंगे, बिन मौसम की बारिश भी हम। अरे उड़ मत जाइए तो उड़ी छोड़ दे, सलीम मौसम बढ़िया करवाया कि नहीं, मजेदार लिज्जत पापड़, ज्यादा भीड़ नहीं है बस फट से पहुंच जाए हम, यही है सीन। मुंबई चेक इन ओपन हो गया है, हम सामान रख रहे हैं, सामान चढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है जीवन। हमारे को सबसे ज्यादा टेंशन क्या थी, भीड़ मेरा 18 किलो, इसका 18 किलो, इसका 56 किलो, लेकिन अपना कितना 15 15 30 30 60, 4 किलो से बचा। बॉडी टाइम अपना ज़ेड़ा, ये सरदर माल चेक कराने वाला, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक। अब हम घर नहीं, अब हमने जंग जीत ली है, जंग बड़ी जंग होती है हमारी, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, चीटिंग करनी पड़ती है, आज हमने चीटिंग की है, क्या लाइन तोड़नी पड़ती है, हमने बाहर से ही सामान डालना चालू कर दिया, चाय पीनी है ना, चाय किस किस को चाहिए, चाय 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 गरम, चाय चाय गरम, चार चाय। तेरे को कुछ खाना भी है, मेरा पेट तो फूल है। अरे दबा क्या है अपन, बारबेक्यू क्या खाया हमने वहाँ पर, मटका चिकन, मटका चिकन खाया था, लेकिन कहाँ खाया, अजमेर, अजमेर में खाया था, लेकिन जगह कौन सी थी वो नहीं है, तो है, लेकिन खाना अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, खाना हमारे को अच्छा मिला, चिकन चिकन पीसेस के ऊपर मटन कीमा, बाकी गरीब लोग आए हैं हमारे साथ, कहाँ गई ये इनको कुछ खाने की इनको भूख लगी, इतना सा पेट दिया ऊपर वाले ने, इतना मुझे पता नहीं कितना खाने के बाद इनको दोबारा भूख लग जाती है, और चिड़िया की तरह चुप के कहेगी पेट भर गया, कुछ अच्छा खाते चाय, हम नहीं खाएंगे, हम तो चाय पिए, कुछ अच्छा वो भी चाहेंगे, आज से अपन डाइट करेंगे, खाएंगे वड़ा पाव, चार चार वाह, यही चाहिए थी, आधा घंटा है हमारे पास भाई, ये तो उर्फी जावेद जैसा नुकीला कुछ, अगर उसको पता है कहाँ जयपुर में ये कौन मिलते हैं तो वो यहाँ लगाएगी और निकल जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के हम तो कुछ भी बोलेंगे, वो पहन रही है बोले भी ना, बोले भी ना, तो। भाई साहब आपको पता है उर्फी जावेद के बारे में, वो जो कुछ भी पहन लेती है, अच्छा हाँ देखो पहचानते हैं, आपके कौन का उसको पता लग गया ना, ले जाएगी ये। घटना ये हुई कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई,
वो भी आधा पौना घंटा। तो हमारे को एक चीज मिली है जिसमें हमारे को आनंद प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा लगेगा कि मुंह काला करने। ये बताओ, मुंह काला करने नहीं जा रहे हम, अपने शरीर को दबवाने जा रहे हैं यार। यही था वो जहाँ पर हमको मुंह काला करना है। यहाँ पर कोई है जो हमारा मुंह काला कर दे? ये सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा था, तो फिर अचानक से ऐसा कैसे? कितनी खुशी थी मुंबई जाने की। हाँ यार, मौसम भी बढ़िया करवा दिया था हमने तो, सब कुछ बढ़िया। अपन और एक फ्लोर ऊपर जाना है भाई। चलो, क्या हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या? लग रहा है इधर इधर इसके चेहरे को देख के समझ सकते हम कितना डिले चल रहे हैं। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाए। पूनम का समझ में आ गया, ये खड़े नहीं रह सकते अब हमारा हो चुका है पारा ऊपर। तो ठीक है, बोर्डिंग शुरू हो गई, अच्छी बात है। अब लैंड हुई है, पहुँचेंगे कब होगा ये दुख का है ख़त्म नहीं होता। हमारे को एक घंटा डेढ़ घंटा हो गया यहाँ पर बैठे, अब लास्ट कॉल कर रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं हमारी क्यों नहीं सुन रहे? हम बोलेंगे लास्ट कॉल हमारे कहाँ गया? वो यहीं कहीं है, वो लास्ट कॉल वाला हाँ बाजू में, उससे पूछते हैं अभी। चलो फाइनली तो तेरी अंकल, मैं आपकी वादी में आया था अभी। अंकल आपने बचा लिया, अभी मैं गिर पड़ जाता है एशिया का वीडियो लेने के चक्कर में। विंडो सीट नहीं है तेरे पास? मेरे पास भी नहीं है। अच्छा है कि अपन बाहर निकलते हैं, हाँ अच्छा होता है, टांग भी बाहर लेके जा सकते हैं। पर हमारी जगह थोड़ी सी मच्छरों ने भी ले ली, बहुत मच्छर है, तो बच्चे ही बहुत रो रहे हैं। हमारे को पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं आ जाएगी। सब परेशान है। कौन एयर होस्टेस? ये कब तक होएगा मच्छर का इलाज? अरे यार देखो कितने सारे मच्छर, मच्छर ही मच्छर। होएगा होएगा, तू टेंशन मत ले। हमारे पिताजी हमारे से पूछते थे क्या करेगा बड़ा होगा, मच्छर मारेगा क्या? पर सच में हम बड़े होगा मच्छर मारते हैं। ये हमारे आंटी ने क्या दे रहे हैं हमारे को? ओडोमोस। वाह, लाओ भैया लाओ, आज लगेगा ओडोमोस, हमको भी दो। आंटी ने ओडोमोस दिया हमारे को, मच्छर नहीं खाएंगे। चेहरे पे लगा देगा तू? हाँ भाई, मच्छर नहीं खाने चाहिए। आंटी चेहरे पे लगा सकते हैं ना, फुल हाइजीन वाली है। हमने ओडोमोस लगा लिया। हाँ आप बिल्कुल सही करके गए हो, अब आप हमारे को बचा लोगे ना अनाउंसमेंट करके। ठीक, आई लव यू। जाना कहाँ है आपको? कहाँ जाना है? हाई फाई। ये अब बारी है हमारे सलीम खान की शादी करने की। मैं तो रेडी हूँ। बच्चे संभालने लगे हैं। बाबा बाबा बाबा, मुंबई में स्वागत है। क्या बोलते हैं मुंबई आके एनर्जी होम लागे बी टाउन। पर मैं आपको दिल की बात बताऊं कि एक सच सच बात बताता हूं कि आज की फ्लाइट थी ना वो बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत फ्रेंडली फ्लाइट थी। बच्चे मिले, बच्चे लोग बहुत फ्रेंडली थे, हम बहुत फ्रेंडली थे। हमारी एनर्जी क्योंकि सब लेट हो चुके थे, सब उसको पता था चिल कर रहे हैं, पहले मच्छर मार रहे हैं, फिर बच्चों के साथ कर रहे, बच्चे भी इधर से उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और फाइनली मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, सामान आएगा हमारा सामान। लाला जी आ गए, लाला जी आ गए। साउथ या बीच टाउन रहे हैं, बीच टाउन बीच टाउन। बाय बाय, चल लाला जी का ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। चल तू तो खाता नहीं भाई, लाला जी को खुदे बिल्कुल मत देना। हेलो, सबकी अलविदा हो गई है जी, हमने ऑटो ले लिया है, सब घर पे। 20 दिन के बाद ऑटो लिया सर जी, खुश हो गए हमारे। यही है जी जीवन हमारा, फ्लाइट से उतरो, ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ के घर जाओ, घर जाके फिर टैक्सी पकड़ो, फिर अगले प्लान करो, यही जीवन है हमारा। होम स्वीट होम। जब आप इतने दिन तक घर पर नहीं होते तो घर में एक स्मेल भर जाती है। 20 दिन के बाद जब मैं घर पे वापस आया तो वो स्मेल वापस से महसूस हो रही है। पहले तो महीनों महीनों बाहर रहते थे, कम से कम इस बार 20 दिन के बाद ही आ गए हैं। तो ठीक है जी, अब खाना वाना कुछ खाएंगे और सो जाएंगे, ब्लॉग भी एडिट करना है। एक तो हमारी लिफ्ट ख़राब है, वो लिफ्ट की सिचुएशन आपको घर घर की कहानी में कल से बताएंगे। बाकी ठीक है जी, हम तो ज़्यादा ख्याल रखो, असी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। चंगा फिर।